दोस्तों एक समय की बात है, संत नामदेव के माता पिता भगवान विट्ठल की फतह की मूर्ति की पूजा किया करते थे। घर की अलमारी में ही मूर्ति रखी हुई थी, तो मूर्ति को प्रतिदिन दूध का भोग लगाया करते थे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। संत नामदेव के माता पिता एक कटोरी में दूध गर्म करके और उसमें मीठा मिला के विट्ठल जी के सामने रख देते थे और पर्दा लगा देते थे। कुछ देर बाद उस दूध को निकाल कर प्रसाद के रूप में सभी को बांट देते थे। उस समय संत नामदेव की उम्र 12 वर्ष थी। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश अन्य किसी गांव में जाना था, तो उन्होंने नामदेव से कहा कि हम एक सप्ताह के लिए किसी अन्य गांव में जा रहे हैं, आप घर में ही रहना और स्नान करने के बाद विट्ठल जी को दूध का भोग लगा देना। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हम सबको श्राप दे देंगे। ये बात माता पिता ने नामदेव से जोर देके कही और ऐसा कह के वो यात्रा पे चले गए। अब नामदेव जी सुबह उठे, स्नान किया और एक कटोरी दूध गर्म किया और मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन मूर्ति ने दूध नहीं पिया, भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनती करते, हे विट्ठल भगवान दूध पी लो, आज आपका सेवक मर जाएगा क्योंकि वो और अधिक भूख सहन नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, माता पिता नाराज होंगे, भगवान मेरी गलती को क्षमा करो, मुझसे अवसर कोई गलती हुई है जिस कारण आप दूध नहीं पी रहे हैं। संत नामदेव जी को ये ज्ञात नहीं था कि उनके माता पिता विट्ठल जी को दूध का भोग लगाते थे, लेकिन कुछ देर बाद दूध को उठाकर अन्य दूध में मिला देते थे। अब नामदेव जी तो यही समझते थे कि विट्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते होंगे। अब चौथे दिन नामदेव जी बेहाल हो गए। किसी तरह उन्होंने दूध गर्म किया और मूर्ति के सामने रखा, लेकिन कमजोरी कान चक्कर खा के नीचे वो गिर गए और वहीं बैठे बैठे अजी लगाए लगे। लेकिन उसी समय मूर्ति के दो हाथ आगे बढ़े और दूध का कटोरा उठाया और पी लिया। अब नामदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा और वो स्वयं उठे और उन्होंने खाना खाया और दूध पिया। अब विट्ठल भगवान प्रतिदिन नामदेव जी के हाथों दूध पीने लगे। 7 दिन बाद नामदेव जी के माता पिता लौटे तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया। तो नामदेव जी ने अपने माता पिता से कहा कि 3 दिन तक तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं किए, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी, लेकिन 4th दिन उन्होंने मेरी गलती को माफ़ किया और दूध पिया, तब कहीं जाके मैंने भी खाना खाया। अब माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसलिए कह रहा है कि 4th दिन उसने दूध पिया होगा, भला मोती दूध कैसे पी सकती है। अब माता पिता हैरान थे और बालक से कहा कि सच सच बोल बेटा, नहीं तो तुझे और मुझे पाप लगेगा। नामदेव जी ने कहा कि सच कह रहा हूँ, विट्ठल भगवान ने मेरे सामने ही दूध पिया था। तो पिताजी ने कहा कि कल सुबह तू मेरे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने दूध रखा और प्रार्थना करने लगे। तभी मूर्ति में से 2 हाथ निकले और भगवान ने कटोरा उठाया और दूध पी लिया। ये देखकर नामदेव के माता पिता बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने ये बात पूरे गाँव वालों को बताई। दोस्तों परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि कोई भक्ति करता है और उसके ऊपर परमेश्वर कृपा नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति तो करता है और मन में अभिमान भी रखता है तो उस पर परमेश्वर की कृपा वर्षा नहीं होती है, जिस कारण से उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। दोस्तों आपको नामदेव जी के संबंध में छोटा सा प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।